उठाने लाके बलात्कार करोगे। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले क्लिप में हम देखेंगे हमारे देश के नंबर वन चाटुकार अर्नब गोस्वामी की नंबर वन रिपोर्टिंग। आप ये देखें और हमें जरा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि इस व्यक्ति में और एक सर्कस के जोकर में क्या अंतर है। मैं जब कभी समय मिलता है तो अर्नब को देखता हूँ, देखने से ज्यादा सुनता हूँ। क्या इसीलिए मनमोहन सिंह, राहुल बाबा और एंटोनिया माइनो परेशान है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। अरे राहुल वाड्रा गांधी, मैं आपको कहना चाहता हूँ दो शब्दों में, चल हट। Now play some music. चल हट। चल हट। राहुल गांधी को हिंदी नहीं बोलते? राहुल गांधी को हिंदी बोलने का यहाँ आती है? सिद्धार्थ जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल बाबा गिर गए। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। मैं क्या करूँ, आज सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिजिन तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है, जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को अटैक करता है। तो वो अपोजिशन पे अटैक नहीं करता, अपोजिशन पे तो जनता ने अटैक कर दिया था 2014 में, उनको इतना सीट दिया कि वो बोल नहीं पाए, ठीक है। लेकिन वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट, आपके भीतर अपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी थी वो लगातार अटैक कर, जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम। क्या सरकार पर सवाल उठाने वाले अब माफी मांगेंगे? पूछता है भारत। और जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब कि सच्ची में न्यूट्रल चैनल अगर है तो सिर्फ रिपब्लिक भारत है। कॉमेडी करता है? हा। मैं तो हर दिन आके और मटेरियल दूंगा। अरे इस निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है ये नौटंकी कहते हैं इसको। सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे मगर ड्रामे के लिए लड़ेंगे। और उनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी बैठ गई, एक राजनीतिक दल और एक चैनल अगर बैठ जाए और इस तरह की स्ट्रेटजी करें तो ये एक दो दिन में उजागर हो जाता है। अगले क्लिप में हम देखेंगे एक देशद्रोही कॉमेडियन को हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलते हुए। आज के समय में जहां हमारे पॉलिटिशियन मुद्दे कम उठाते हैं और धर्म की कॉमेडी ज्यादा करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के कॉमेडियंस आम जनता के सीरियस मुद्दे सामने लेकर आते हैं। भाई घर पे लोग पोलराइज हो गए, मैं अपने घर को नहीं बचा पा रहा, देश बहुत दूर की बात है भाई, पहले घर बचा लो। माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में, मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है, हिंदू दाल पकवान खा रहा है यहाँ पे। माँ लगी हुई बेटा हिंदू खतरे में है, मैं समझा रहा हूँ कि माँ नहीं बंगाली टाइगर खतरे में है, नहीं वो 1450 है, नहीं इंसान 1.3 बिलियन है इंडिया में, तो टाइगर खतरे में है ना। अभी 80 करोड़ लोग अपने ही देश में कैसे खतरे में हो सकते हैं? मेरी माँ बोल रही है नहीं नहीं है, मेरे पास पीपीटी आया था, 9 पेज का पीपीटी था भाई, 9 पेज में पूरा पढ़ा, हिंदू खतरे में, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है, 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा हम का जाए, मुझे रूह अफजा नहीं पसंद, सब था उसमें, मैंने पूरा पढ़ा। फिर मैंने मॉम को बोला मॉम हिंदू खतरे में है और इसके लिए मैं तो इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हूं। नहीं आप अपना देख लो, ये सुबह शाम खतरे की जिंदगी मुझे तो नहीं चाहिए। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे सनातन धर्म के एक स्त्री जो राम मंदिर के बनने से इतनी खुश है कि वो ये भूल चुकी है कि मक्का मदीना जिस देश में है वहाँ हमारे सुप्रीम लीडर की मर्जी नहीं चलती। आपकी है, मैं तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, मैं तो एक छोटी सी योद्धा हूँ, सिपाही हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी यति नरसिंहानंद जी के साथ, हिंदू रक्षा सनातन को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देने को। हमने जब पहले जारी किया था तो हमें सफलता मिली,
हमारे श्री राम मंदिर जो भूमि थी, जो विवादित स्थल था, उसको हमें कानूनी रूप से हमें सफलता मिली, सभी सनातियों की विजय हुई और हमारे भगवान जी वहाँ पर फिर से स्थापित होने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में संघर्षरत होने के बाद हमने और साक्ष्य लेकर के इस समय मक्केश्वर महादेव जो कि मक्का मदीना के नाम से जाने जाते हैं उन धरोहरों को भी विजय प्राप्त करनी है। हमारे ताजमहल जो हमारा तेजो महाशिवालय है उस पर हमें अपना जाना है और श्री कृष्ण जन्मभूमि गौशाला, ऐसे हमने 6 धरोहरों को फिर से आप सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पर संघर्ष करके कानूनी और विधिक तरीके से हमें फिर से विजय हासिल करनी है। उसके लिए हमें संघर्ष करना, वही जो है हमने कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। मक्का मदीना का भी फोटो लगाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उद्देश्य नहीं है ये, साक्षात है, साक्ष्यों के साथ हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये हमारे मक्केश्वर महादेव है जिस तरीके से विधर्मियों द्वारा अतिक्रमण करके। तो दोस्तों अगर आप भी कट्टर हिंदूवादी हैं तो अपना हेट स्पीच फैलाने से पहले आप किस देश में रहते हैं उसका बेहद ध्यान रखें। जैसे हमारे इस भोले भक्त ने यति नरसिंह आनंद की बातें मानकर दुबई में मक्का मदीना के लिए ऐसे फेसबुक पोस्ट डाले तो वहां के शेखों ने इनकी हबीबी सुझा दी। तो दोस्तों सेकुलर होने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम्स के हित की बात करें, सेकुलर होने का ये मतलब है कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उनके प्रति हम थोड़ा सहनशील बने और हर धर्म को आज़ादी हो उनके भगवान को पूजने। देखें इस क्लिप में इस नौजवान ने बेहतरीन तरीके से ये उदाहरण दी कि हिंदू होना सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरों को हानि पहुंचाएं। को जानते ही नहीं, वही सेम चीज हमारे साथ हिंदुओं के साथ हो रहा है कि आप सब आप सोचिए कि युवा को जहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे साइंस के बारे में जानना चाहिए, वहाँ पे वो साइंस के बारे में नहीं बल्कि भगवत धारण कर करके जय श्री राम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुछ नहीं जानते जय श्री राम के बारे में। जय श्री राम तब जय श्री राम बने थे जब उनको एक अच्छी एजुकेशन मिला था, अच्छे टीचर मिले थे, वो भी घर को छोड़ करके जंगल में जाकर के ब्राह्मणों से अच्छा एजुकेशन लिया, वो तो आप हमसे छीन ले रहे हो। 2 साल से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया फिर भी फीस पे किया, आप हमसे हमारी शिक्षा से छीन ले रहे हो, आप हमसे हमारा रोजगार छीन ले रहे हो। मैं सच में हिंदू हूँ, जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने पर भी राम नाम सत्य ही बोला जाएगा, अल्लाह उन पर नहीं बोला जाएगा। लेकिन मुझे भी पता है कि मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, उनकी दवाओं का खर्च उठाना है मुझे, वो हिंदू होने से नहीं उठेगा, उसके लिए रोजगार चाहिए मुझे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा इंडिया में और इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी हम पीछे हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, वो बोलते हैं कि अगर आप युवा हो तो आप धर्म के पैसे ना जाओ, फुटबॉल खेलो, स्टेडियम में जाओ, देश के लिए ओलंपिक आओ। मैम आप खुद जानती होंगी हमारे देश में सबसे ज्यादा नदियाँ, मछुआरे इतने ज्यादा, फिर भी हमारे देश में एक भी स्विमिंग में गोल्ड मेडल नहीं आता। हमारे देश में फुटबॉल में गोल्ड मेडल नहीं आता, रेस में गोल्ड मेडल नहीं आता, हमारे युवा सिर्फ खड़े होकर के कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हिंदू है, मुस्लिम। मैम हम मैं UPSC का प्रॉपर स्टूडेंट हूँ, पुर्तगीज में जब जरूरत पड़ी लोगों को तो वहाँ का किंग अपने आप को नेविगेटर कहता था, कहता था मैं बहुत बड़ा नाविक हूँ। अगर हमारी योगी जी आज भगवा छोड़ करके कहते कि मैं साइंटिस्ट हूँ, नहीं साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आने वाला हमारा पीढ़ी साइंस की तरफ रुख करेगा। अगर अभी हमारा वार हो जाए मैडम पाकिस्तान से, चाइना से, कोरिया से, तो वहाँ के बच्चे गन बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, हमारे यहाँ के बच्चे टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, ये डिफरेंस है मैडम। तो मैं तो टोटल प्रॉपर बीजेपी का विरोधी हूँ, सिर्फ इसी वजह से जिस दिन ये धर्म को छोड़ देंगे, राम के नाम पे भीख दिया जाता है मैडम, वोट नहीं दिया जाता, जिस दिन ये धर्म को छोड़ देंगे और जिस दिन ये मुद्दों की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, उस दिन मैं वोट करूंगा। अगले क्लिप्स में हम देखेंगे हमारा लॉ एंड ऑर्डर किस कदर बेबस हो चुका है। इस क्लिप में एक कट्टर अंधभक्त के एक तरफ तो प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और दूसरी ओर मुस्लिम बहु बेटियों को रेप की धमकी दे रहे हैं। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा। अगले क्लिप में हम देखेंगे आप पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने इस रिपोर्टर के महंगाई के प्रश्न पर जिस अंदाज से उत्तर दिया तो ये रिपोर्टर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नफरत फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। मेरा आखिरी सवाल है, 80 पैसे फिर से पेट्रोल डीजल के बढ़ गया,
उसमें मैं बुरा नहीं मानता। देखिए भाजपा बहुत ईमानदार पार्टी है, उसने चुनाव के ठीक पहले चारों राज्यों में चिल्ला चिल्ला के इस देश की जनता को बताया ये चुनाव 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा, 80-20 पे होगा, यानी कि 20 दिन तक लगातार वो 80-80 पैसे बढ़ाएंगे। अब इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो इसमें फिर उनका दोष नहीं है, उन बेचारों ने पहले बता दिया था कि 80-20 पे होगा, 20 दिन तक लगातार 80-80 पैसे हम बढ़ाएंगे, उनकी कोई गलती नहीं। इस देश की जनता को अगर महंगाई से छुटकारा पाना है उसका एक ही फार्मूला है जो हिमाचल। और आखिरी क्लिप में हम देखेंगे हर पत्रकार को कैसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखें इस क्लिप में बिना किसी सरकार के डर से रवीश कुमार बेबाक महंगाई पर हम सब तक कैसे सच पहुंचाते हैं। भारत में महंगाई तो बढ़ी रही है, यहाँ विपक्ष महंगाई का विरोध कर रहा है, उस विरोध में जनता कभी नजर नहीं आती। जाहिर है जनता महंगाई से परेशान तो है, मगर विरोध प्रदर्शन से महंगाई कम होती है उसका इस बात से भरोसा उठ गया है। पिछले 14 दिनों में डीजल 8.40 रुपए महंगा हो गया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के महासचिव नवीन गुप्ता का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की वजह से छोटे और बड़े ट्रांसपोर्टरों के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब।